नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। पीएम मोदी कहीं भी जाते हैं तो उस जगह को मोदी अपने रंग में ही रंग लेते हैं, पूरी कायनात मोदी में हो जाती है। लेकिन पीएम मोदी जब बनारस पहुंचते हैं तो छटा कुछ और ही होती है, पूरा बनारस मोदी में हो जाता है और पीएम मोदी शिव भक्त मोदी बन जाते हैं। एक बार फिर ये साबित हो गया है बनारस में। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बनारस पहुंचे थे साल 2014 में, जब उन्होंने वहां से नामांकन किया था। लेकिन उसके बाद जब भी पीएम मोदी बनारस पहुंचते हैं तो वही नज़ारा देखने को मिलता है, वही छटा देखने को मिलती है। पीएम मोदी एक बार फिर बनारस पहुंचे, कार्यक्रम भी बड़ा था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होना था और पीएम मोदी पहुंचे थे उद्घाटन करने। इस मौके पर पूरा बनारस मोदीमय हो गया। पूरे बनारस में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे तो रास्ते में उनका भव्य स्वागत किया गया। रास्ते में खड़ी जनता ने पुष्प वर्षा की और मोदी मोदी का नारा लगा रही थी। लेकिन पीएम मोदी यहाँ पूरी तरह से भक्त बनकर गए थे, पीएम बनकर नहीं। उन्होंने बाबा विश्वनाथ की आरती की, उसके बाद पैदल ही निकल पड़े माँ गंगा की तरफ। बनारस के ललिता घाट पहुंचे पैदल नंगे पांव और गंगा में डुबकी लगाई। फिर वहां से गंगाजल लेकर पैदल ही चल पड़े बाबा विश्वनाथ के दर पर। इस जल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया और काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी अलौकिक रूप में दिख रहे थे, माथे पर त्रिपुंड तिलक, नंगे पांव पैदल बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचा था एक शिव भक्त और बाबा विश्वनाथ की पूजा कर काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी तो शिव भक्त बन ही गए थे, लेकिन काशी बनारस जो उनका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वो पूरी तरह से मोदी में हो गया है। चारों तरफ मोदी ही मोदी छाए हुए थे। कैपिटल टीवी फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।